नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि पैतृक संपत्ति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों के साथ करने वाले हैं। अब दोस्तों, अक्सर लोग मुझसे कॉल पर बात करते समय पूछते हैं या फिर जब वो मुझसे पर्सनली कंसल्टेशन करने के लिए आते हैं वहां पर पूछते हैं, सर हमारी एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी जिसके अंदर हमें हिस्सा नहीं दिया जा रहा, या फिर हमारी एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी जिसको हमें बिना हिस्सा दिए आगे बेच दिया गया, हमारी एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी जिस पर एक भाई ने पूरी पर अपना नाम चढ़वा लिया। अब उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में तो हमें हिस्सा मिल ही नहीं पाएगा क्योंकि हमने तो समय रहते एक्शन नहीं लिया था। जी नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अब आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको ऐसी टेक्निक्स बताने वाले हैं, ऐसे मेथड बताने वाले हैं जिनके माध्यम से आप एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर अपना हिस्सा पा सकते हैं। अब हिस्से पाने के दो अलग अलग माध्यम होंगे, एक होगा जब आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, दूसरा होगा जब आपको कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अलग अलग कंसेप्ट आपको समझाने वाला हूं कि अगर आपकी प्रॉपर्टी बेच दी गई, किसी और के नाम कर दी गई, विल वसीयत कर दी गई, गिफ्ट कर दी गई, सारी सिचुएशन जो एक पैतृक संपत्ति के अंदर बन जाती है जहां पर आपको आपका हिस्सा नहीं दिया जा रहा, वो सारी चीज हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं यहां पर आप लोगों के लिए रोजाना इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपने इस चैनल पर लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर लीजिए। देखिए, आज शाम ठीक 6:30 बजे में अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर लाइव आ रहा हूं, जहां पर आप लोगों के साथ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर और ज्यादा डीप डिस्कशन होगा, जिसमें बहुत सी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट मैं आप लोगों के साथ वहां पर डिस्कशन करने वाला हूं। अब अगर आप मेरे साथ वहां पर लाइव कनेक्ट होना चाहते हैं तो तुरंत डिस्क्रिप्शन के अंदर जाएं, वहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा आई एम लाइव ऑन अनअकैडमी, वहां पर जाकर आप क्लिक करके उस वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। और ठीक शाम को 6 बजे मैं वहां पर आपको लाइव मिलूंगा, आप मेरे साथ लाइव कनेक्ट होइएगा, जो आपका क्वेश्चन है वो मुझसे लाइव आस्क कीजिएगा। अब दोस्तों, हम अपने आज के इस टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। देखिए, प्रॉपर्टीज यानी कि संपत्ति दो प्रकार की होती है। सबसे पहले बात आएगी स्वयंअर्जित संपत्ति, यानी कि वो संपत्ति जो इंसान ने अपनी मेहनत से अपने खुद के पैसों से खरीदी हो, या फिर वो संपत्ति जब किसी को वो विल वसीयत, गिफ्ट डीड या सेल डीड के माध्यम से मिली हो, ऐसी सिचुएशन में वो प्रॉपर्टी स्व अर्जित संपत्ति कहलाई जाती है। अब दोस्तों, इससे हटकर जो दूसरी संपत्ति आती है जिसको हम कहते हैं पैतृक संपत्ति। अभी पैतृक संपत्ति क्या होती है? देखिए, वो संपत्ति जब एक इंसान ने उसे खुद ना खरीदा हो बल्कि उसे अपने दादा, परदादा या फिर अपने पिता से मिली हो, वो प्रॉपर्टी यहां पर एंसेस्ट्रल कहलाती है। अब दोस्तों, लोगों की अक्सर कंफ्यूजन रहती है, सर पैतृक संपत्ति क्या बंटवारे के बाद स्वयंअर्जित बन जाती है? पैतृक संपत्ति में अगर किसी ने बंटवारा करके अपना हिस्सा ले लिया तो क्या वो उसका स्वयंअर्जित मालिक हो जाता है? जी नहीं दोस्तों, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट पास की थी, वो जजमेंट दिखाते हुए उसके 12th क्लोज के अंदर ये सारे पॉइंट्स मेंशन है, वो पूरा क्लोज आपको क्लियर करूंगा, ताकि सबसे पहले आप लोगों को यही चीज क्लियर हो जाए कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहते किसको है। अब देखिए दोस्तों, डिस्प्ले पर यहां पर आपको साफ दिखाई दे रहा होगा जजमेंट का नाम है श्याम नारायण प्रसाद जो प्रेजेंट केस के अंदर अपीलियंट है, वर्सेस कृष्णा प्रसाद एन अनदर जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है, सिविल अपील नंबर 5415 ऑफ 2011। ये आपका सिटिएशन नंबर आ गया, और ये जो जजमेंट पास की गई थी दोस्तों साल 2018 2 जुलाई को पास की गई थी। अब इस जजमेंट को जब आप डाउनलोड करेंगे आपको सिंपली गूगल में केस टाइटल लिख देना है, इंडियन कानून नामक एक वेबसाइट आएगी, वहां से बड़ी इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके 12th क्लोज पर आपको नजर डालनी होगी, डिस्प्ले पर आपको क्लोज भी अब दिखाई देगा दोस्तों। देखिए यहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा होगा इट इज सेटल्ड डेड, यानी कि ये चीज क्लियर है कि प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय मेल हिंदू, जो प्रॉपर्टी एक मेल हिंदू अपने पिता से, अपने दादा से या अपने परदादा से रिसीव कर रहा है, इनहेरिटेड कर रहा है, उसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहा जाएगा। इनहेरिटेड क्या होता है दोस्तों? जब उनके पिता, दादा, परदादा का देहांत हो गया और वो प्रॉपर्टी आगे पास होकर चली गई, पर अगर उनके दादा, परदादा या पिता उनको विल वसीयत, गिफ्ट डीड के माध्यम से देकर जा रहे हैं, सेल डीड के माध्यम से देकर जा रहे हैं, तो वो पैतृक नहीं बल्कि उनकी स्वार्जित संपत्ति कहलाई जाएगी। आगे देखिएगा,
एसेंशियल फीचर ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू मिताक्षरा लॉ, क्योंकि हम सभी को पता है दो तरीके के स्कूल ऑफ लॉ है हमारे यहाँ, मिताक्षरा एंड दयाभागा। तो प्रेजेंट में मिताक्षरा की बात कर रहे हैं जो पूरे इंडिया में मैक्सिमम स्टेट में प्रैक्टिस किया जाता है। क्या कहता है ये? द सन यानी कि बेटे, ग्रैंड सन पोते एंड ग्रेट ग्रैंड सन यानी कि पर पोते उस व्यक्ति के जो उसको इनहेरिटेड कर रहे हैं, एक्वायर एन इंटरेस्ट एंड राइट अटैच टू सच प्रॉपर्टी एट द मोमेंट ऑफ देयर बर्थ, यानी कि वो बच्चा पोता या पर पोता जो जैसे ही पैदा हो रहा है उस प्रॉपर्टी में वहां पर अपना एक हक ऑटोमेटिकली क्रिएट कर रहा है। नाउ शेयर विच अ कोपार्सनर ऑब्टेन ऑन पार्टीशन ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एज रिगार्ड ऑफ हिज मेल इश्यू, यानी कि अगर कोई कोपार्सनर है हमवारी से जो बंटवारा होने के बाद एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के किसी शेयर को रिसीव कर रहा है वो उसकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ही कहलाएगी। यहां से देख सकते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एज रिगार्ड टू मेल इशू। और इसके बाद क्या लिखा है? आफ्टर पार्टीशन यानी कि बंटवारे के बाद द प्रॉपर्टी इन द हैंड ऑफ सन, जो प्रॉपर्टी उनके बच्चों के पास आ रही है, विल कंटिन्यू टू बी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, वो तब भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ही कहलाएगी। एंड द नेचुरल एंड एडॉप्टेड सन ऑफ दैट सन विल टेक इंटरेस्ट इन इट, और ऐसी सिचुएशन में जो उनके नेचुरल सन है या एडॉप्टेड सन है वो उसके अंदर अपना हिस्सा मांग सकते हैं। अब आपको क्लियर हुआ होगा इस जजमेंट से कि एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बंटवारे के बाद भी एंसेस्ट्रल ही रहेगी। अगर लोग ये सोच रहे हैं कि एंसेस्ट्रल होने के बाद वो स्वयं अर्जित हो जाएगी, साफ साफ गलत कंसेप्ट है। प्रेजेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, केस टाइटल, सिटुएशन नंबर, इवन दो प्रॉपर क्लोज बताते हुए मैंने आपको ये पॉइंट क्लियर किया है दोस्तों। अब दोस्तों यहां से आप लोगों को ये पॉइंट तो क्लियर हो गया कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहते किसको है। अब एक चीज और क्लियर कर दूं कि अगर एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को बेचकर कोई नई प्रॉपर्टी खरीदी गई है, सोर्सेस क्या होने चाहिए? चाहे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से जो रेंट आ रहा है उनसे खरीदी हो या उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को बेचकर खरीदी हो, वो जो नई प्रॉपर्टी है वो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का दर्जा ही रखेगी। साबित कैसे करना होगा? कोर्ट में सेक्शन 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर एक डेक्लेरेशन सूट डालना पड़ेगा जहां पर यह चीज दिखानी पड़ेगी कि प्रेजेंट प्रॉपर्टी जो खरीदी गई है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के सोर्सेज से खरीदी गई है और उसको आप एंसेस्ट्रल में कन्वर्ट करवा देंगे कोर्ट के ऑर्डर से। अब दोस्तों अब हम बात करते हैं वो अलग अलग सिचुएशंस के बारे में जब आपको आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर हिस्सा नहीं दिया जा रहा। देखिए दोस्तों सबसे पहले बात आती है जब आपको मुंह पर साफ इंकार कर दिया कि आपको पैतृक संपत्ति के अंदर हम हिस्सा नहीं देंगे। अब ऐसी कंडीशन में आप करें तो करें क्या? देखिए सबसे पहले मेरी सलाह यही रहती है कि आप कोर्ट में सीधा ना जाए, उससे पहले दो तीन स्टेप होते हैं जो आप फॉलो करें। जैसे कि सबसे पहले आप सभी लोगों को एक एडवोकेट के माध्यम से लीगल नोटिस भिजवा सकते हैं। लीगल नोटिस में वो इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखवा दे और ये दिखाए कि आप भी इस प्रॉपर्टी में एक कोपार्सनर है और आपका भी एक शेयर बनता है। और इस सिचुएशन में अगर आपने कोर्ट का रुख अपनाया तो कोर्ट में जितना भी खर्चा होगा वो आपको बियर करना पड़ेगा, बिकॉज इन टर्म्स आपने पहले ही नोटिस सर्व किया है और आप इस नोटिस को इग्नोर कर देंगे तो आपको सारा खर्चा मेरा उठाना पड़ेगा, चाहे वकील का हो चाहे कोर्ट फीस हो। ये चीज उस पर्टिकुलर नोटिस में आपको लिखवानी पड़ेगी। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो आप एक एडवोकेट से गाइडेंस के तहत समझ सकते हैं, पर अगर आप चाहते हैं मुझसे पर्सनली अपना लीगल नोटिस भिजवाएं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया है, उस नंबर पर कॉल करके अपनी रिक्वेस्ट फाइल कर सकते हैं जहां पर मैं खुद नोटिस ड्राफ्ट करके आप लोगों के लिए नोटिस सेंड करूंगा। अब दोस्तों मान लेते हैं आप लोगों ने नोटिस भेज दिया और वो लोग यहां पर डर गए और उनको समझ में आ गया कि भाई अब हमें इनको हिस्सा दे देना चाहिए। सबसे पहले आप उनसे एक पार्टीशन डीड बनवा लें। पार्टीशन डीड क्या होता है? एक दस्तावेज होता है जिसके अंदर सभी कोपार्सनर यानी कि हम वारिस के साइन होंगे और उसके अंदर टर्म्स कंडीशन लिखे जाएंगे और उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को बांट दिया जाएगा। आखिरी में दो विटनेस के साइन होते हुए उसको रजिस्टर्ड जाकर जरूर करवाए। अगर आप उस रजिस्टर्ड नहीं करवा रहे उस डॉक्यूमेंट को तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं रह जाएगी। सबसे सेफ होता है बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए उस पार्टीशन डीड को बना लें। सेकंड स्टेप, आप ओरल पार्टीशन भी कर सकते हैं। ओरल पार्टीशन मतलब मौखिक रूप से आप बंटवारा भी कर सकते हैं, पर मौखिक रूप से बंटवारा करने के बाद कुछ चीजें ध्यान रखिएगा वरना कोर्ट उस मौखिक बंटवारे को नहीं मानेगा। जैसे कि अगर आपने मौखिक बंटवारा किया और आपको आपका हिस्सा मिल गया, उसके बाद तुरंत वहां पर अपना अलग बिजली मीटर, वाटर कनेक्शन, गैस कनेक्शन, म्यूटेशन वगैरह सब कुछ कराए, अपना म्यूनिसिपैलिटी का जो रिकॉर्ड्स होता है वहां पर नाम चढ़वाए, टैक्स रिकॉर्ड्स में अपना नाम चढ़वाए, क्योंकि अगर आप कल को फ्यूचर में जाकर कोर्ट में अपना ओरल पार्टीशन साबित करेंगे तो आपको ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, बिजली बिल, वाटर बिल, म्यूटेशन, टैक्स रिकॉर्ड, ये सारे, तभी आपका ओरल पार्टीशन कोर्ट में साबित हो पाएगा। 2020 सुनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा, 2022 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक और इंपॉर्टेंट जजमेंट दी थी जहां पर यही बात साबित की गई थी कि ओरल पार्टीशन को पब्लिक डॉक्यूमेंट से साबित किया जा सकता है। अब मान लेते हैं आप कोर्ट कचहरी के चक्करों में ही नहीं पड़ना चाहते, तो पहले ओरल पार्टीशन करें, उसके 3 महीने 4 महीने बाद एक क्या करें, एक फैमिली सेटलमेंट डॉक्यूमेंट बनवा लें जिसे मेमोरेंडम ऑफ पार्टीशन कहते हैं, उसको करवा लें, उस पर सभी कोपार्सनर के जरूर साइन करवाएं।
सेकंड चीज, दोनों विटनेस के जरूर साइन करवाएं, भले उसको आप रजिस्टर्ड भी मत कराएं। जी हां, मैं कह रहा हूं उसको आप भले रजिस्टर्ड मत करवाएं। अगर आप मेरे चैनल से रेगुलरली जुड़े हुए हैं, आपको पता है कि मेमोरेंडम ऑफ पार्टीशन यानी कि फैमिली सेटलमेंट को रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य नहीं होता, पर अगर पार्टीशन डीड बनवाई जा रही है उसको जरूर रजिस्टर्ड करवा लीजिएगा। अगर फैमिली सेटलमेंट है कोई नीड नहीं है रजिस्टर्ड करवाने की, पर जो पब्लिक डॉक्यूमेंट मैंने बताए थे प्लीज उनको समय रहते जरूर बनवा लीजिएगा। अब दोस्तों ये वो सिचुएशन आ गई जब आप बिना कोर्ट जाए अपना हिस्सा ले सकते हैं। अब मानते हैं आपको साफ मना कर दिया, जाओ तुमसे जो होता है तुम वो करो, हम तुम्हें प्रॉपर्टी के अंदर हिस्सा नहीं देंगे। अब आप क्या करें? देखिए ऐसी सिचुएशन में आपको सबसे पहले एक लीगल नोटिस उनको भेजना है, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि आपको इतने दिन का टाइम दिया जाता है, आप हमारा शेयर दें, नहीं तो इन फ्यूचर जो कोर्ट में प्रोसीडिंग्स होगी, एडवोकेट की फीस होगी, सब हम आपके ऊपर कंपनसेशन के तौर पर मांगेंगे। अब इसके बाद आपको एक एडवोकेट के पास जाना है, एक पार्टीशन सूट दाखिल करना है। पार्टीशन सूट मतलब उसमें आपको यह दिखाना है एक लीगल ईयर सर्टिफिकेट के माध्यम से कि प्रेजेंट प्रॉपर्टी के अंदर आप एक को पार्टनर है और आपका भी इसके अंदर शेयर बनता है, और ऐसी सिचुएशन में आपके जो बाकी सदस्य हैं अदर को पार्टनर है आपको हिस्सा नहीं दे रहे हैं। तो प्रेजेंट केस में क्या होगा, कोर्ट आपके इस सूट को दाखिल करके बाकी जो अदर को पार्टनर है उनको यहां पर नोटिस भेजेगा, समन भेजेगा, जहां पर उनको एक रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ेगी। इसके बाद कोर्ट दोनों पार्टियों को सुनकर आपकी प्रॉपर्टी का पार्टीशन दाखिल कर देगा। नाउ अगर आप इसको और फास्टली कराना चाहते हैं, आप कोर्ट में जाकर मीडिएशन की मांग कर लीजिएगा, आपका फैसला मात्र 2 से 3 महीने के भीतर आ जाएगा। आपको सालों साल वेट नहीं करना पड़ेगा इस फैसले का, मात्र 2 से 3 महीने के भीतर मीडिएशन के माध्यम से आप अपनी उस प्रॉपर्टी का बंटवारा कराकर फैसला अपने हाथों में ले सकते हैं। अब दोस्तों मान लेते हैं आपके पास आपका हिस्सा आ गया, तो आप अपने हिस्से को कोर्ट के ऑर्डर के माध्यम से जाकर म्यूटेशन करा लीजिएगा। उसके बाद आप अपने हिस्से के एक लोते मालिक है, आप जाकर उसको एंजॉय करें, पर ध्यान रखिएगा वो प्रॉपर्टी आपकी सेपरेट प्रॉपर्टी कहलाएगी, पर तब भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ही रहेगी, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी नहीं होगी, इवन दो पार्टीशन के बाद, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया था। अब दोस्तों इसके बाद बात आती है कि मान लेते हैं आपके किसी पारिवारिक सदस्य ने आपका नाम कटवाकर उस पैतृक संपत्ति में पूरा का पूरा अपना नाम चढ़वा लिया। अब आप करें तो करें क्या? देखिए प्रेजेंट केस में आपको क्या करना है, जैसे ही आपको पता लगे कि वो म्यूटेशन करा रहा है, ऑब्जेक्शन फाइल कराएं, आपके पास टाइम पीरियड होगा, जैसे ही आप ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे आप शो कर दीजिएगा आप भी को पार्टनर है, उसका म्यूटेशन में नाम नहीं चढ़ेगा। मान लेते हैं उसने धोखाधड़ी करके चीटिंग करके अपना नाम चढ़वा लिया, अब आपको कोर्ट में जाना है, एक पार्टीशन सूट दाखिल करना है। पार्टीशन सूट में क्या दिखाना है कि प्रेजेंट प्रॉपर्टी है, लीगल ईयर है, आप भी को पार्टनर है, सॉरी, और ऐसी सिचुएशन में इन्होंने अपना नाम गलत तरीके से चढ़वाया, इसका पार्टीशन करके आपको दिया जाए, ऐसी कंडीशन से आप उस प्रॉपर्टी को अपने नाम चढ़वा सकते हैं। अब देखिए मान लेते हैं उस व्यक्ति को अपना नाम चढ़वाए हुए 12 सालों से ज्यादा हो गए, तो वो इंसान क्या एडवर्स पोजेशन क्लेम कर सकता है? देखिए एडवर्स पोजेशन वो क्लेम कर सकता है, पर एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर एडवर्स पोजेशन का केस जितना आसान रहा नहीं होती। तो सबसे पहले आप ये सोचें कि अगर उसको 12 साल से ज्यादा हो गए तो सबसे पहले जाएं आप एक डिक्लेरेशन सूट दाखिल करें सेक्शन 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, और बाद में अमेंड करते हुए वहां पर पार्टीशन की डिमांड कर दीजिएगा। अगर आपको डर है कि वो इसको कहीं बीच में बेच ना दे, ऑर्डर 39 रूल 1 सीपीसी के तहत वहां पर टेंपरेरी इंजंक्शन की यानी कि स्टे की मांग कर लीजिएगा, प्रॉपर्टी को वो कहीं बेच भी नहीं पाएगा। अब दोस्तों जैसे ही आप वहां पर ये केस फाइल करेंगे आपको यह साबित करना पड़ेगा कि भाई प्रेजेंट प्रॉपर्टी में आपका भी हिस्सा है और इसने धोखाधड़ी करते हुए अपना नाम चढ़वा लिया। After that, आप डिक्लेरेशन बड़ी इजीली साबित करके अपना पार्टीशन करके अपना नाम चढ़वा लेंगे। ये तरीका है उस सिचुएशन में जब आपके फैमिली मेंबर ने को पार्टनर ने पूरा का पूरा नाम अपने नाम चढ़वा दिया, क्योंकि आर्टिकल 118 ऑफ लिमिटेशन एक्ट भी ये कहता है कि 12 सालों के भीतर आपको अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को क्लेम करना पड़ेगा। अगर 12 साल बीत गए तो डिक्लेरेशन में जरूर जाए, वरना आगे चलकर आपको हो सकता है केस दोबारा से नया दाखिल करना पड़े। तो डिक्लेरेशन डालते हुए बाद में अमेंड कीजिएगा पार्टीशन सूट दोस्तों। नाउ अब आखिरी सिचुएशन की बात कर लेते हैं कि आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को बिना आप लोगों को हिस्सा दिए आगे बेच दिया गया, अब आप करें तो करें क्या? देखिए ऐसी कंडीशन में दो चीज ध्यान रखें कि एक सेल डीड को चैलेंज करने का कितना समय होता है, 3 सालों का, और आप अगर एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को अपनी क्लेम करना चाहते हैं तो कितना समय होता है, 12 सालों का, आर्टिकल 118 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। नाउ अब आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर वो सेल डीड हुई है और आप उस सेल डीड को तुरंत जाकर कैंसिल करवाना चाहते हैं तो विद इन 3 ईयर यानी कि उस सेल डीड बनने के 3 सालों के भीतर आप वहां पर उस सेल डीड को कैंसिलेशन का दाखिल करें और एक डिक्लेरेशन सूट उस प्रॉपर्टी पर डाल दे कि इसमें मेरा भी हिस्सा बनता है और चीटिंग करते हुए मेरे को यहां से हिस्सा नहीं दिया गया। सेकंड चीज मान लेते हैं 3 साल से ज्यादा हो गए, अब आप क्या करें? अब आपको आर्टिकल 118 का सहारा लेना पड़ेगा। आर्टिकल 118 क्या कहता है कि आप एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर 12 सालों के भीतर क्लेम कर सकते हैं। अब दो सिचुएशन यहां पर क्रिएट होगी, कोर्ट बाउंड नहीं होगा कि उस सेल डीड को कैंसिल करे, यानी कि उस सेल डीड को कैंसिल करना ही पड़े, कोर्ट इस चीज के लिए बाउंड नहीं होगा क्योंकि आपने 3 सालों के भीतर एक्शन नहीं लिया। पर आप क्या कर सकते हैं,
आप ये डिमांड कर सकते हैं कि जो उस समय पैसा आया था उसमें जो मेरा शेयर बनता था वो मुझे अब भी दिलवाया जाए, मैंने विद इन टाइम पीरियड 12 सालों के भीतर एक्शन लिया है। मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि अगर आप 12 सालों के बाद भी एक्शन ले रहे हैं तो भी आपकी कोर्ट में सुनवाई होगी, बिकॉज प्रेजेंट केस में जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी था वो भी हनन हुआ है, क्योंकि आप एज अ को पार्टनर उस प्रॉपर्टी पर हक रखते थे और आपको चीटिंग करके बाहर रख दिया गया। इस चीज से रिलेटेड बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट थी, मैं किसी अगली वीडियो में उस जजमेंट में आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं, क्योंकि आज के वीडियो ऑलरेडी काफी ज्यादा लंबी हो गई है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किस किस सिचुएशन में कौन कौन सा केस डालकर आप अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर अपना हिस्सा पा सकते हैं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी तो मेरा आप लोगों से केवल छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दें, अपना कमेंट कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि आप कौन से स्टेट से हैं, कितने टाइम से चैनल से जुड़े हुए हैं, आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं, आने वाले समय में किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं जो आपको अच्छा लगे। इसके अलावा अगर आप रेगुलरली ऐसी वीडियोस अटेंड करना चाहते हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दें और शाम को ठीक 6:30 बजे अनअकैडमी पर मेरे साथ कनेक्ट जरूर होइए। इसके अलावा अगर आप उनसे पर्सनली कंसल्टेशन यानी कि एडवाइस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराकर भी डायरेक्टली मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं।